कभी भी अपनी सोच को निगेटिव मत समझना, ये मत समझना कि हम किसी से कम हैं, हमें आगे निकलना है, किसी भी चीज़ में उसमें हिस्सा लेना है, तो माशाल्लाह अपना हुनर हमें दिखाना है। अगर आपके पास आपके अंदर एक जज्बा हो कुछ कर गुजरने का, तो उसके लिए कभी कोई आपके शरीर में किसी तरह की कोई कमी है वो कभी भी कोई बाधा नहीं बन सकती है। इस समय व्योम J&K 2023 के तहत पर्पल फेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसके तहत यहाँ पर कई तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जा रही हैं। दिव्यांग जो हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कई तरह के स्पोर्ट्स प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज जम्मू यूनिवर्सिटी में, और बातचीत करते हैं। इस समय हमारे साथ क्रिकेट टीम के ही एक खिलाड़ी हैं जो कैप्टन भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सईद आशिक है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से रहता हूँ। तो सर, आज हमें अच्छा लगा, एक खुशी महसूस हुई कि हमारे प्लेयर हमें हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जम्मू में पार्टिसिपेट किया। तो मैं LG साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कि उन्होंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया ये सक्सेसफुल रहा, तो हर जगह से आए तो हमें अच्छा लगा सर। मैं इनके लिए आपको बता दूं कि यहां पर इस समय क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें कि ये दिव्यांग लोग हैं, उनकी टीम्स हैं, और उसी के कैप्टन हैं और विकेट कीपर भी हैं, और बहुत ही अपने आप में नायाब खिलाड़ी हैं। और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इनके अंदर जो एनर्जी है और जिस तरह की सफुर्ती है कि जो व्यक्ति आम बिल्कुल नॉर्मल भी है उसको भी ये मार करते हैं। और कब से शौक़ है आपको क्रिकेट का? जी सर, मैं 2012 से खेल रहा हूँ जी। तो अभी इस तरह जो पार्टिसिपेशन आपने की, इससे पहले भी आप कई पार्टिसिपेट कर चुके हैं कोई क्रिकेट में, चाहे कोई भी टूर्नामेंट वगैरह? जी, मैंने पहले भी बहुत जगह ट्रॉफियों में हिस्सा लिया। तो 2021 में 2022 में हमने बांडीपुर में खेला फाइनल, तो माशाल्लाह वो फाइनल हम जीत के आगे। जी। तो अभी किस तरह की सिचुएशन है, क्या चल रहा है थोड़ा? अभी हमारा सेमीफाइनल चल रहा है, तो माशाल्लाह टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो मुझे उम्मीद है कि ये मैच भी जीत जाएंगे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह की शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत उनकी बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी सोच को निगेटिव मत समझना, ये मत समझना कि हम किसी से कम हैं, हमें आगे निकलना है, किसी भी चीज़ में उसमें हिस्सा लेना है, तो माशाल्लाह अपना हुनर हमें दिखाना है। तो हमें ये नहीं समझना कि आज हमें किसी चीज़ में कुछ कमी है, या हमें चलने में प्रॉब्लम है, या हमें किसी बाजू में प्रॉब्लम है, हम कुछ कर नहीं सकते। अगर हम चाहें तो सबसे आगे हम इंशाल्लाह जा सकते हैं, और हमें इंशाल्लाह हम जो मेहनत करेंगे वो एक दिन न एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छा करें और आपकी टीम भी करें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलजार अहमद भट्ट है जी। आप भी इसी टीम में हैं? हाँ जी। तो क्या खेलते हैं या बॉलर हैं, क्या हैं? खेलते हैं जी। हाँ। क्या क्या बैट खेलते हैं? अच्छा, नहीं मैच उसमें बॉलिंग ज़्यादा करते हैं, बैटिंग की तरफ ज़्यादा आप कर रहे हैं? बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग भी करते हैं। तो आप भी यहाँ खेल रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैं शुक्रगुजार हूँ LG साहब से और JK गवर्नमेंट से। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी होना चाहिए, जिसमें हम लोगों जैसे बहुत खुशी महसूस हो रही है, तो आगे भी ये प्रोग्राम होना चाहिए। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि और किन चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है सरकार की तरफ से, ताकि और ज़्यादा जो ऐसे लोग हैं, दिव्यांग हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आगे आए, या उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको आगे इनक्रेज करने के लिए किन चीज़ों को लगता है कि और चीज़ें करनी चाहिए? सर, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे अब बहुत मुश्किल हैं इनको, जैसे किसी की फैमिली है, उनको इनकम का कोई सोर्स नहीं है। मैं चाहता हूँ उनको मौका देना चाहिए, कुछ गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ हो जिसमें उनको मौका देना चाहिए कि उनकी फैमिली उसी पे चल रही है। और दूसरा सर, मैं खास तौर अपने प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर ये मेरी बात सुन पाए, जो हमारा ये क्या नाम लेते हैं सर, ये ओल्ड पेंशन चल रही है, ये बहुत कम है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 हज़ार हो जाए उन लोगों को जिनका चूल्हा इस पे जलता है। हाँ।
और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा कि ये सबसे उनके लिए ज़रूरी है, एक ओल्ड पेंशन उनके लिए बढ़ाई दी जाए और कोई भी जॉब हो उनमें इनको मौका देना चाहिए सर। इनके लिए एक कोटा होना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए, उनको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भी एक जीने का हक है और बेहतर से बेहतर इनको जो है मौके अगर सरकार दे तो इनके अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। यही सच कर दिखाया है इनकी यहाँ पर टीम ने और जो कार्यक्रम चल रहा है उसकी सराहना की है। लेकिन अभी भी सरकार को कुछ कोशिशें करना ज़रूरी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये लोग गुजर रहे हैं रोज़ी रोटी के लिए, उसका अगर व्यवस्था सरकार उसके लिए कोई ऐसा तरीकाकार निकाले तो इनके दिन भी बिल्कुल ठीक हो जाएँ।